गुरुग्राम के भोंडसी के भूपनगर में होली वाले दिन क्रिकेट को लेकर दो समुदायों के लोगों के बीच हुई भिड़ंत में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन ने एक प्रेस वार्ता कर प्रशासन व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों को सरकार और प्रशासन की शह मिली हुई है, जिसके चलते अभी तक पुलिस ने मात्र एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए दो दिन का समय मांगा था, लेकिन आज चार दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अन्य आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। चेयरमैन ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि अगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो 36 बिरादरी मिलकर प्रशासन के खिलाफ आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोलेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्योंकि अभी घटना तीन दिन पहले घटना जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये हमारा मुस्लिम परिवार है, इसके अंदर घर में घुस के एक बहुत ही दर्दनाक काहिराना हरकत की है। ये इंसान का काम नहीं हो सकता, ये एक शैतान का काम है। इंसान तो इस काम को कर नहीं सकता, जिसमें तीन तीन साल के बच्चे, चार चार साल के बच्चे जो बेड के अंदर घुस गए हैं, उसको निकाल निकाल के उनको मारा, जो कपट के अंदर उन्होंने अपनी जान बचाई है उसके अंदर घुस घुस के निकाल के बच्चों को इधर फेंका है, ये हैवानियत वाला काम है। और अभी तक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ना अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। एक अरेस्टिंग के नाम पे सिर्फ एक आदमी को अरेस्ट कर रखा है, सारे के सारे दबंग। मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं इनको जो है ना शह मिली हुई है और अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है उसमें सही मानते हैं इसके ऊपर? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैंने देखा नहीं है, उसमें क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी के गुंडों ने ये इस तरीके से किया, तो उसको क्या मानते हैं? देखिए जी, ये तो मैं कहने चाहता कि मोदी के गुंडे हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आज चार दिन हो गए कि ज़रूर कहीं ना कहीं इनको जो है ना सरकार का, प्रशासन का उनको सपोर्ट है, नहीं तो अभी तक वो अरेस्ट हो जाते हैं। 10-12 आदमी उन्होंने यहाँ के फायरिंग करते हैं, एक घंटे तक क्या नाम वारदात होती है और वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, जिस तरह ये मामला चला, राजनेता कह रहे हैं सांप्रदायिक मामले का जो रूप दिए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सांप्रदायिक वाला मामला बिल्कुल नहीं है, ये तो क्या नाम है, उन्होंने एक कमजोर और मजलूम समझ के वैसे ही, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। शरारती जो तत्व है उनका ही ये मामला सारा है, तो नहीं जोड़ा जाए इस तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो शरारत तत्वों का है, क्या नाम है, कुछ लोग, देखो हर समाज में हर तरह का आदमी होता है, ये इस तरह की क्या नाम है हिंदू मुस्लिम को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं है और ना ही आगे होनी चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांग ये है, जो यहाँ पर इन हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में जो घटना हुई है, उनके जो शरारत करने वाले लोग हैं 10-12-15, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको कानूनी तौर पर सजा दी जाए, और जो मस्जिद में जिन लोगों ने ये माहौल ख़राब करने की और मस्जिद की बदहुरमती और उसकी बदनाम करने की और ये माहौल ख़राब करने की, हमारा भाईचारा ख़राब करने की जो हरकत की है, उनके खिलाफ सख्त कदम और एक्शन लिया जाए। पुलिस की कार्यशैली पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं अभी भी? देखिए, हमने दो दिन का टाइम दिया था सीपी साहब से, हमारा दिनेश एसीपी साहब से, गर्ग साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने दो दिन का टाइम मांगा, जिसका टारगेट आज पूरा हो जाएगा और कल हम कोई कदम उठाएंगे, सारे समाज मिलकर, हिंदू मुस्लिम सरदार जैन 36 की 36 बिरादरी मिलकर हम इस पर कदम उठाएंगे, और कल को अगर किसी तरह का कोई माहौल ख़राब होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, ये हमने उनसे कह दिया। ये आपकी लापरवाही है, जो मुलजिम है वो पकड़ से बाहर हैं। अब आप क्या चाहते हैं आगे? नहीं नहीं, हम यही चाहते हैं, क्या नाम है, कि जिन लोगों ने क्या नाम है माहौल ख़राब करने को इस तरह की हरकत की है, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको अरेस्ट हो, उनको कानूनी तौर पर सजा दी जाए।